नमस्कार, मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। वक्त हो गया है दिन भर की तमाम बड़ी खबरों का। शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी अपडेट के साथ। क्रिकेट प्रेमियों के लिए इस वक्त की बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। दरअसल इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल 2020 का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है। टूर्नामेंट 19 सितंबर से शुरू होकर 53 दिनों तक चलेगा। 19 सितंबर को आबू धाबी में आईपीएल के 13वें सीजन का आगाज होगा। उद्घाटन मैच में गत बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस और उप विजेता चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा। वहीं आपको बता दें, राजस्थान रॉयल्स का पहला मैच 22 सितंबर को होगा। इस दौरान राजस्थान रॉयल्स चेन्नई सुपर किंग्स से भिड़ेगी। चलिए अब नजर डाल लेते हैं राजस्थान की बड़ी खबरों पर। रविवार सुबह एक बार फिर प्रदेश में बड़ी संख्या में कोरोना के नए मरीज देखने को मिले हैं। प्रदेश में सुबह 10:30 बजे तक 726 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिसके बाद कुल पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 90,089 पर पहुंच चुका है। वहीं बीते 12 घंटों के दौरान 8 मरीजों की मौत हो गई है और अब तक प्रदेश में इस घातक बीमारी के कारण 1130 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इसी बीच आपको बड़ी खबर दे दे, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। पंचायत चुनाव से जुड़ी आपको बड़ी अपडेट दे दे, अगले हफ्ते से राजस्थान में आचार संहिता लग सकती है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत 15 अक्टूबर से पहले पंचायत चुनाव कराए जाने हैं। पहले करीब 3500 ग्राम पंचायतों में सरपंच और पंच के चुनाव होंगे और उसके बाद पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, जिला प्रमुख और प्रधान के चुनाव होंगे। आपको बता दें, राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तमाम तैयारियां कर ली है और कोरोना गाइडलाइंस के तहत ये चुनाव होंगे, लेकिन अगर कोरोना बेकाबू होता है तो फिर मामला कोर्ट में जा सकता है। वहीं आपको इस वक्त की एक और बड़ी खबर दे दे, बूंदी एसीबी की टीम ने कोटा में बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल सरपंच बबली मीणा और सेक्रेटरी रंगे हाथों गिरफ्तार किए गए हैं। भूमि कन्वर्जन की एवज में 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ये दोनों गिरफ्तार किए गए हैं। आपको बता दें, बबली मीणा सरपंच पद पर है और उनके सेक्रेटरी दोनों रंगे हाथ 20,000 रुपए की घूस लेते हुए गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं इस वक्त की आपको एक और बड़ी खबर दे दे, बीकानेर के छत्तरगढ़ में एक जंगली जानवर ने आतंक मचा रखा है। 3 दिनों में दर्जनों लोगों को घायल कर चुका है। इसके साथ ही इस जानवर ने हिरण व पालतू पशुओं को भी अपना शिकार बना लिया है। ग्रामीणों में इस घटना के बाद दहशत का माहौल बना हुआ है। प्रदेश की एक और बड़ी खबर की बात करें तो उदयपुर के गोंगुदा कस्बे में स्थित एक निजी स्कूल को बच्चों की जान से ज्यादा अपनी फीस की परवाह थी। इसी वजह से इजाजत न होने के बावजूद भी कोरोना काल में स्कूल को खोल दिया। मामला जब मीडिया के पास पहुंचा तो निजी स्कूल के टीचर नए नए बहाने बनाने लगे और कार्यवाही के डर से फटाफट बच्चों को घर भेजना शुरू कर दिया, लेकिन ये सारी घटना एक मोबाइल के कैमरे में कैद कर ली गई। एक और बड़ी खबर की बात करें तो बहुजन समाजवादी पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने राजस्थान में अनुसूचित जाति की बालिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में अशोक गहलोत सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सरकार से दलित विरोधी मानसिकता का त्याग करते हुए मामले में आरोपितों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की है। आपको बता दें, दौसा के एक गांव में मुकबादिर बालिका के साथ दुष्कर्म हुआ था, लेकिन आरोपी अभी भी पकड़ से बाहर है। तो यह थी प्रदेश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।